जैसा आप सब जानते ही हैं कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के चलते आपने नोटिस किया होगा कि स्किन बहुत रूखी और ड्राई हो जाती है। बार बार क्रीम्स और मॉइस्चराइजर्स लगाने के बावजूद भी स्किन ड्राई और रफ ही रहती है। और जाहिर सी बात है कि ड्राई स्किन पर इचिंग तो होगी ही, इची स्किन पर होती है खुजली और होता है इन्फेक्शन। सो ऐसी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि हम अपनी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखें और एक ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करें जो स्किन को ज्यादा देर तक सॉफ्ट रखे और स्किन पर नमी बरकरार रखे। आज की रेमेडी में हम बनाएंगे एक ऐसा कमाल का मॉइस्चराइजर जो सर्दियों में भी स्किन को ग्लोइंग और सॉफ्ट बनाए रखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेमेडी। हमें लेने हैं 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। मैंने अपने गार्डन का ही एलोवेरा जेल यूज किया है, अगर आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में स्किन रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमें स्किन रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम से बचाए रखता है। थर्ड इंग्रेडिएंट है 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन पर नमी को बरकरार रखता है और इसके रेगुलर यूज से स्किन सदा यंग और ग्लोइंग बनी रहती है और ये चेहरे की फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी डिले करता है। हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है 1 टेबलस्पून आमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। आमंड ऑयल के बेनिफिट से तो आप सब वाकिफ ही होंगे। बादाम के तेल के इस्तेमाल से हमारे स्किन के पुराने से पुराने दाग भी लाइटन हो जाते हैं। इसमें विटामिन ए और ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है जो स्किन को सॉफ्ट और क्लियर बनाने में मदद करता है। हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है 2 विटामिन ई ऑयल कैप्सूल्स। विटामिन ई से हमारी स्किन पर ग्लो मेंटेन रहता है, एक्ने और पिंपल से भी छुटकारा मिलता है। विटामिन ई ऑयल स्किन को प्रॉपर नरिशमेंट देता है जिससे हमारी स्किन पर चमक बनी रहती है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें जब तक रेमेडी का कलर व्हाइट क्रीमिश ना हो जाए। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से शेक करें। ये देखिए हमारी विंटर वंडर स्किन रेमेडी इज रेडी। अब मैं इस मॉइस्चराइजर को आपको स्किन पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसका एप्लीकेशन इतना स्मूथ और क्रीमी है कि आप इसे दिन में 2 बार भी लगाएंगे ना, 2 से 3 दिनों में ही आप अपनी स्किन पर चेंज देखिएगा। स्किन की ड्राइनेस, रफनेस और फाइन लाइंस चुटकियों में ठीक हो जाएंगी। इस रेमेडी की खास बात यह है कि ये सभी स्किन टाइप्स को सूट करती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसको शॉवर लेने के इमीडिएटली बाद अप्लाई करेंगे बॉडी पे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा। रेमेडी जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।